If you like the video, please subscribe and share our videos. The link of the notes are given in the description box. Hello student, my name is Devinder Singh. Today I teach you numericals in text question of hello alkanes and hello arenes 1 to 9. On page number 1, solution of the in-text question of the NCERT textbook exercise. Question number 1, write the structure of the following compounds. Number 1, 2 chloro 3 methyl pentane. Pentane banna 5 C se banega. CH3 single bond CH, side chain mein CL laga dijiye, single bond CH, side chain mein CH3, single bond CH2, single bond CH3. Iska naam hai 2 chloro 3 methyl pentane. Number 2, 1 chloro 4 ethyl cyclohexane banana hai. तो बेंजीन का रिंग बनाइएगा, बीच में अल्टरनेट सीएल पर डबल बॉन्ड नहीं लगाइएगा, नंबर फर्स्ट पे सीएल लगाइएगा और नंबर फोर पे सीएच2 सीएच3 लगाइएगा, तो ये हो जाएगा 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, 1 क्लोरो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। नंबर थर्ड 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3-iodoheptane आंसर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, साइड चेन में आई लगा दीजिएगा, एक एच कम करके सिंगल बॉन्ड CH, इसमें साइड चेन में C और C की तीनों तरफ वैलेंस खोलते हुए CH3 ग्रुप लगा दीजिएगा, ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल होता है। फिर स्ट्रेट लाइन चलते रहिएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम होगा 4 टर्शियरी ब्यूटाइल -3-iodoheptane। नंबर 4 1,4-dibromobute, second-2-ene, Br, single bond CH2, single bond CH, double bond CH, single bond CH2, Br, 1 और 4 पे Br लगाना है आपने, तो 1,4-dibromobute, second-ene, इसका नाम हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में double bond आएगा, तो एक एक एच कम कर देना कार्बन से। नंबर 5th, 1-bromo-4-secondary-butyl-2-methylbenzene, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइएगा, नंबर फर्स्ट पे Br लगाइएगा, नंबर टू पे CH3 लगाइएगा और नंबर फोर पे CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 राइट साइड में और लेफ्ट साइड में CH3 लेना है, क्योंकि आपका नाम इसका नाम है 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी कि 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा हुआ, इसलिए बेंजीन रिंग बनाइएगा, फर्स्ट पे Br लगाइएगा, सेकेंड पे CH3 लगाइएगा, 4 पे CH लगा के राइट साइड में CH2 CH3 इथाइल ग्रुप लगाइएगा और लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप लगाइएगा, ये आपका हो जाएगा नाम 1-bromo-4-secondary-butyl-2-second-methylbenzene, अल्टरनेट सीरियल में डबल बॉन्ड लगना है। ऑन पेज नंबर 2 प्रॉब्लम नंबर 2, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KHI, सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों यूज नहीं करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में विद KI के साथ। आंसर आवर एम, हमारा जो एम है इज टू प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड फॉर विच वी नीड HI, फुल स्टॉप। सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज बिकॉज इट ऑक्सीडाइसिस HI to I2, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है HI से I2 में, Ki+H2SO4 इज इक्वल टू KHSO4 प्लस HI पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, 2HI जो आपका बना HI, 2HI प्लस H2SO4 का रिएक्शन करिएगा इज इक्वल टू 2H2O 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस आयोडीन प्लस SO2। वी यूज H3O4, हम यूज यूज करते हैं वो H3PO4 यूज करते हैं, विच डज नॉट ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज नहीं होता HI to I2 में, जो HI से I2 में ऑक्सीडाइज नहीं होता। सो C2H5OH प्लस KI प्लस H3PO4 इज इक्वल टू C2H5I प्लस KH2PO4 प्लस H2O। प्रॉब्लम नंबर 3, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। आंसर 4 आइसोमेरिक डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन आर फॉर्म्ड फॉर ईच हेलोजन। नंबर 1, Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, यानी कि 1 और 3 पे Br लगाना, 1,3-dibromopropane हो जाएगा। नंबर दूसरा आइसोमर्स होगा Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, साइड चेन में Br लगाइएगा, सिंगल बॉन्ड CH3, 1,2,3 नंबरिंग आप दे दीजिएगा, 1,2-dibromopropane हो जाएगा, ये सेकंड आइसोमर्स। नंबर 3, Br सिंगल बॉन्ड CH, साइड चेन में Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, 1,2,3 1 पे Br लगाइएगा, तो 1,1-dibromopropane, थर्ड आइसोमर्स।
नंबर फोर सी पे तीन साइड में, दो साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सी एस सी लगा के अपर नीचे बी आर लगा दीजिएगा, तो सी एस थ्री सिंगल बोन सी, सिंगल बोन सी एस थ्री, और सी से ऊपर बी आर, नीचे भी बी आर, यानी कि टू पे ऊपर भी नीचे भी बी आर लगाना, टू टू डाइब्रोमो प्रोपेन, फोर आइसोमर्स, जैसा कि प्रॉब्लम में बोला है। प्रॉब्लम नंबर फोर, अमोंग द आइसोमेरिक एल्किन्स ऑफ मोलिकुलर फार्मूला सी फाइव एच ट्वेल्व फुल स्टॉप, आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड्स ए सिंगल मोनोक्लोराइड, नंबर सेकंड थ्री आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, नंबर थर्ड फोर आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। आंसर नियो पेंटेन इसमें आएगा, कॉमा नियो पेंटेन एंड आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन एंड आइसो पेंटेन आर थ्री आइसोमर्स ऑफ पेंटेन सी फाइव एच ट्वेल्व। नंबर फर्स्ट आर द हाइड्रोजन एटम्स, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं इज नियो पेंटेन, नियो पेंटेन में आर इक्विवेलेंट, बराबर हैं, देयर फोर इसलिए रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वन ऑफ देम विल गिव द सेम प्रोडक्ट सी एस थ्री सिंगल बोन्ड सी, सिंगल बोन्ड सी एस थ्री, और सी के ऊपर भी सिंगल बोन्ड सी एस थ्री, नीचे भी सी एस थ्री लगाइएगा। नियो पेंटेन होता है एक सी से, अगर चार सी जुड़ जाते हैं नियो पेंटेन कंपाउंड कहते हैं, सो नियो पेंटेन है, पांच सी के कारण पेंटेन हो रहा है। ऑन पेज नंबर थ्री नंबर सेकेंड पॉइंट दे आर द थ्री ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स इन नॉर्मल पेंटेन डेजिनेटेड एज ए बी एंड सी से डेजिनेट किया गया है, जिसको देयरफोर थ्री आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड आर पॉसिबल, थ्री आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड आर पॉसिबल हैं सी एस थ्री सिंगल बोन सी एस टू, सिंगल बोन सी एस टू, सिंगल बोन सी एस टू, सिंगल बोन सी एस थ्री। तो जो नॉर्मल, ये नॉर्मल पेंटेन है, तो अगर लेफ्ट साइड से चलेंगे तो ए बी सी लिखेगा, राइट साइड से चलेंगे तो भी ए बी सी इन साइड की तरफ लिखेगा। तो जो नंबर थर्ड कार्बन है उस पर सी आता है, नंबर सेकंड कार्बन पर बी आता है, नंबर फर्स्ट कार्बन पर ए आता है। नंबर थर्ड दे आर द फोर टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट होते हैं बराबर हाइड्रोजन है इन आइसोपेंटेन डेजिनेटेड, जिसको डेजिनेट किया गया है एज ए बी सी एंड डी से रिप्रेजेंट किया गया, देयर फोर कॉमा फोर आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स आर पॉसिबल सी एस थ्री सिंगल बोन्ड सी एच, साइड चैन में सी एस थ्री लगाइएगा सी एच के, सिंगल बोन्ड ओपन स्टेट लाइन में सिंगल बोन्ड सी एस टू, सिंगल बोन्ड सी एस थ्री, इनको डेजिनेट कर दीजिएगा ए बी सी एंड डी से। प्रॉब्लम नंबर फाइव डा द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द क्लास ट्वेल्थ। नंबर ए साइक्लोहेक्सेनॉल आपने लिया है, ओ एच ग्रुप लगाया नंबर वन पर, प्लस एसओ सी एल टू का रिएक्शन कराइएगा, इजिकल टू आप बेंजीन का रिंग बना के सी एल लगा दीजिएगा, इसमें बेंजीन में अल्टरनेट सीरियल में डबल बॉन्ड नहीं देने, प्लस एसओ टू प्लस एस सी एल आपका बन जाएगा साइक्लो हेक्स वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। नंबर बी पार्ट बेंजीन रिंग बनाइएगा, बेंजीन रिंग बना के नंबर वन पर सी एच टू सी एच थ्री इथाइल ग्रुप लगाइएगा, नंबर फोर पर एनओ टू ग्रुप लगाइएगा, इसका नाम होगा फोर नाइट्रो इथाइल बेंजीन, इस पर आप बी आर टू का रिएक्शन करा दीजिएगा, माइनस एच बी आर निकाल दीजिएगा, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइएगा, बेंजीन रिंग बना के जो आपका फर्स्ट नंबर पर सी एच है उसके साथ बी आर को अटैच कर दीजिएगा सिंगल बोन्ड के साथ, सिंगल बोन्ड के साथ सी एस सी अटैच कर दीजिएगा, और नंबर फोर पर एनओ टू, ये वन ब्रोमो डैश वन डैश फोर नाइट्रो फिनाइल इथेन होगा, ये दिल्ली सेकेंडरी बोर्ड 2009 में आया है। सी पॉइंट बेंजीन रिंग बनाइएगा, और बेंजीन रिंग बना के नंबर वन पर ओ एच लगाइएगा, नंबर टू थ्री और नंबर फोर पर सी एच टू ओ एच लगाइएगा, इस पर प्लस एस सी एल का रिएक्शन करा दीजिएगा, इजिकल टू माइनस एच टू रिमूव कर दीजिएगा, तो बेंजीन रिंग बनाइएगा उस पर आपका सी एच टू सी एल फोर नंबर पर आ जाएगा, और जो नंबर फर्स्ट पर वो ओ एच आ जाएगा, तो जो कंपाउंड फर्स्ट था वो फोर हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल था, और जो बनने वाला कंपाउंड है वो फोर क्लोरो मिथाइल फिनोल है। नंबर डी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बेंजीन रिंग बनाइएगा, और आप नंबर वन और नंबर टू पे सी और सी के साथ सिंगल बोन्ड सी एस थ्री अटैच कीजिएगा, यहाँ पर डबल बोन्ड लगाइएगा सी सी के बीच में लगाएगा, ये नाम है वन मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, पर एच आई का रिएक्शन कराएगा, एच पॉजिटिव होता आई नेगेटिव होता, इस पर मार्कोनी रूल का एडिशन कराइएगा, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो बेंजीन रिंग बनाइएगा, अल्टरनेट सीरियल में डबल बोन्ड नहीं लगाइएगा, तो एक तो आपका सी एस थ्री हो जाएगा, और जो सी के साथ है वो आई आ जाएगा आपका,
और डबल बोन हाँ यहां से अब हट जाएगा, इसका नाम हो जाएगा वन आयोडो डैश वन फर्स्ट डैश मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ऑन पेज नंबर 4 ई पॉइंट सी एच थ्री सिंगल बोन सी एच टू सिंगल बोन बी आर प्लस एन ए आई ब्रोमोथेन पर एन ए बी आर निकाल दीजिएगा इज इक्वल टू सी एच थ्री सिंगल बोन सी एच टू सिंगल बोन आई प्लस एन ए बी आर आयोडो इथेन बन जाएगा ब्रोमोथेन से। एफ बेंजीन रिंग बनाइएगा नंबर फर्स्ट पर और नंबर टू के बीच में डबल बोन्ड लगा हुआ है, थ्री पर एच लगा दीजिएगा, बी आर टू का रिएक्शन कराइएगा, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में हीट कीजिएगा इसको, माइनस एच बी आर आपका निकल जाएगा। जब एच बी आर निकल जाएगा आपका तो आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग बनाइएगा, वन और टू के बीच में डबल बोन्ड ही रहने दीजिएगा, जहां एच लगा हुआ था ऊपर वहां बी आर लगाइएगा, यानी कि एक एच बी आर रिप्लेस एच जो रिप्लेस हो गया बाई द बी आर एटम हो गया प्लस एच बी आर निकाल दीजिएगा, बनने वाले कंपाउंड का नाम होगा थ्री ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन से थ्री ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन कैसे बनाएंगे, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 6। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 5 ब्रोमोमीथेन कोमा ब्रोमोफॉर्म, नंबर कोमा क्लोरोमीथेन कोमा डाई ब्रोमोमीथेन, नंबर बी 1 डैश क्लोरोप्रोपेन कोमा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कोमा 1 क्लोरोब्यूटेन। आंसर ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज क्लोरोमीथेन सी एच थ्री सी एल कोमा ब्रोमोमीथेन सी एच थ्री बी आर कोमा डाई ब्रोमोमीथेन सी एच टू बी आर टू एंड ब्रोमोफॉर्म सी एच बी आर थ्री। रीजन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। पॉइंट बी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन द ऑर्डर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड सी एच थ्री सिंगल बोन सी एल साइड चेन में सी एल सिंगल बोन सी एच थ्री लेस देन वन डैश क्लोरो डैश प्रोपेन सी एच थ्री सिंगल बोन सी एच टू सिंगल बोन सी एच टू सिंगल बोन सी एल लेस देन वन डैश क्लोरो ब्यूटेन। ये सीरीज है, इसका रीजन है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है विद द इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास के बढ़ने पर अमोंग द आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड। अगर वे आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड हैं, ब्रांच आइसोमर्स हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जो ब्रांच है जिसमें वो जिस आइसोमर में है उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑन पेज नंबर 5 प्रॉब्लम नंबर 7 विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाई एस एन टू मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। नंबर फर्स्ट सी एस थ्री सिंगल बोन सी एच टू सिंगल बोन सी एच टू सिंगल बोन सी एच टू सिंगल बोन बी आर और सी एस थ्री सिंगल बोन सी एच टू सिंगल बोन सी एच साइड चेन में बी आर सिंगल बोन सी एच थ्री। नंबर सेकेंड सी एस थ्री सिंगल बोन सी एच टू सिंगल बोन सी एच साइड चेन में बी आर सिंगल बोन सी एच थ्री स्ट्रेट लाइन में और सी एस थ्री सिंगल बोन सी ऊपर भी सी एस थ्री नीचे भी सी एस थ्री पे सिंगल बोन बी आर। नंबर थर्ड सी एस थ्री सिंगल बोन सी एच साइड चेन में बी सी एस थ्री सिंगल बोन सी एच टू सिंगल बोन सी एच टू सिंगल बोन बी आर और सी एस थ्री सिंगल बोन सी एच टू सिंगल बोन सी एच साइड चेन में सी एस थ्री सिंगल बोन सी एच टू सिंगल बोन बी आर। आंसर एस एन टू रिएक्शन जो होते हैं वे प्रोसीड होते हैं इन वन स्टेप, एक स्टेप में दो द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड लेस हिंड्रेंड एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट फास्टर। नंबर फर्स्ट सी एस थ्री सिंगल बोन सी एस टू सिंगल बोन सी एस टू सिंगल बोन सी एस टू सिंगल बोन बी आर इज ए फर्स्ट डिग्री हैलाइड है वाइल सी एस थ्री सी एच सिंगल बोन सी एस टू सिंगल बोन सी एच सिंगल बोन सी एस थ्री और सी एच के साथ साइड में बी आर इज ए सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड है, यानी कि जो हैलाइड है जो ब्रोमीन है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ी हुई है जो सेकेंड नंबर टू में। सिंस देयर विल बी सम स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट या बाधा उत्पन्न होना इन सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड्स में, सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड्स में कुछ बाधा उत्पन्न होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट डिग्री हैलाइड की अपेक्षा। कॉमन देयर फोर सी एस थ्री सिंगल बोन सी एस टू सिंगल बोन सी एस टू सिंगल बोन सी एस टू सिंगल बोन बी आर विल रिएक्ट फास्टर,
ये रिएक्ट करेगा फास्टर तेजी के साथ देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH साइड चेन में BR सिंगल बॉन्ड CH3 इन SN2 रिएक्शन। नंबर सेकंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH साइड चेन में BR सिंगल बॉन्ड CH3 इज ए सेकंड डिग्री एल्काइल हैलाइड है, यानी कि इसमें जो हैलाइड है वो सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। वायर CH3 का होल थाई सी सिंगल बॉन्ड BR इज थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड है सिंस ड्यू टू लेसर माने कम स्टेरिक हिंड्रेंस कॉमा सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्ट फास्टर देन थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड देयर फोर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH साइड चेन में BR सिंगल बॉन्ड CH3 विल रिएक्ट फास्टर देन ये रिएक्ट तेजी से करेगा अपेक्षाकृत CH3 का होल थाई सी सिंगल बॉन्ड BR इन SN2 रिएक्शन। ऑन पेज नंबर सिक्स नंबर थर्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH के साथ साइड चेन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड BR फर्स्ट पे BR है थ्री पे CH3 लगा हुआ ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH साइड चेन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड BR फर्स्ट पे BR है सेकंड पे CH3 है ये सेकंड स्ट्रक्चर है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड दोनों के दोनों फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड है बट इन एल्काइल हैलाइड सेकंड जबकि एल्काइल हैलाइड जो सेकंड है कॉमा द CH3 ग्रुप एट C2 जो CH3 ग्रुप है वो C2 पर है इज क्लोजर टू द BR और BR के पास है एटम के व्हाइल इन द एल्काइल हैलाइड फर्स्ट एल्काइल हैलाइड वाइल इन द एल्काइल हैलाइड फर्स्ट कॉमा द CH3 ग्रुप एट C3 जो CH3 ग्रुप है वो एट C3 पर है इज लिटिल अवे जो थोड़ा सा दूर है फ्रॉम द BR से एटम से एज ए रिजल्ट एल्काइल हैलाइड सेकंड विल सफर ग्रेटर हिंड्रेंस इसमें ज्यादा बाधा उत्पन्न होगी देन एल्काइल हैलाइड फर्स्ट देयर फोर CH3 का होल ट्वाइस CH2 सिंगल बॉन्ड BR ये फर्स्ट है आपका विल रिएक्ट फास्टर देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH ब्रैकेट में CH3 CH2 BR ये आपका सेकंड है आपका स्ट्रक्चर आर इन SN2 रिएक्शन। प्रॉब्लम नंबर 8 इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द हैलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोस फास्टर SN1 रिएक्शन ये दिल्ली सेकेंडरी बोर्ड 2008 ऑल इंडिया सेकेंडरी बोर्ड 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट फिगर है इसमें सी से सी एल जुड़ा हुआ तीन वैलेंसी ओपन है थर्ड डिग्री है एंड एक सेकंड डिग्री दिया गया सी से सी एल जुड़ा हुआ है और इसमें चैन बनाई गई है थर्ड सेकंड वाले पार्ट में भी एक चैन बनाई गई है इसमें सी एल अटैच हुआ कार्बन से ए और इसमें एंड इसका दूसरा फिगर भी दिया हुआ है इसमें सी एल जो है बिल्कुल राइट साइड में है फर्स्ट डिग्री पर है यानी कि एक थर्ड डिग्री पर है एक सेकंड डिग्री पर है सेकंड में एक सेकंड डिग्री पर है एक फर्स्ट डिग्री पर है आपका आंसर नंबर फर्स्ट फर्स्ट कंपाउंड इज थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड पहला कंपाउंड जो है वो थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड है वेयर एज सेकंड कंपाउंड इज सेकंड डिग्री एल्काइल हैलाइड फुल स्टॉप SN1 रिएक्शन प्रोसीड इन टू स्टेप्स SN1 रिएक्शन जो है प्रोसीड होता है इन टू स्टेप्स में थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन फुल स्टॉप थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड रिएक्ट फास्टर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन। नंबर सेकंड फर्स्ट कंपाउंड इज सेकंड डिग्री एल्काइल हैलाइड वेयर एज सेकंड कंपाउंड इज फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड फुल स्टॉप देयरफॉर फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट फास्टर SN1 रिएक्शन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन। ऑन पेज नंबर सेकंड प्रॉब्लम नंबर 9 आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश इन द फॉलोइंग नंबर फर्स्ट ब्रोमो साइक्लोब्रोमो बेंजीन प्लस MG डाइथर की प्रेजेंस में ए फॉर एरो लगाकर हाइड्रोलाइसिस करिएगा बी क्या कंपाउंड होगा ए क्या कंपाउंड होगा इसमें फर्स्ट ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन मैंने का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हॉरिजॉन्टल प्लस मैग्नीशियम बी है डाइथर की प्रेजेंस में सी कंपाउंड बनेगा MG के साथ BR अटैच हो जाएगा साइक्लो हेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा ये कंपाउंड आपका ए होगा और इसके बाद आपका ये इसमें साइक्लो हेक्सेन जो बी कंपाउंड है आपका साइक्लो हेक्सेन पर MG प्लस MgOH BR आपका रिमूव हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस कराने पर HOH कराने पर तो ए कंपाउंड का नाम साइक्लोहेक्सेन हेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा और हाइड्रोलाइसिस कराने पर साइक्लोहेक्सेन बनेगा और प्लस MgBrOH बनेगा ये बी कंपाउंड होगा साइक्लोहेक्सेन। नंबर सेकंड RBr ये ए कंपाउंड होगा प्लस मैग्नीशियम बी कंपाउंड होगा डाइथर की प्रेजेंस में सी बनेगा DOH की प्रेजेंस में यानी कि G2O प्रेजेंस में CH3 सिंगल बॉन्ड CH साइड चेन में D सिंगल बॉन्ड CH3 आंसर
कंपाउंड सी शुड हैव 3 कार्बन एटम्स, कंपाउंड सी में 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए, देयरफॉर आर इज, जो आर है वो होना चाहिए सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच, सी एच की साइड चेन खोल दीजिए, मैं वैलेंसी ओपन कर दीजिएगा, फिर स्टेट लाइन में सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, इसमें सी एच थ्री सी एच साइड चेन में बी आर सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ये एक कंपाउंड होगा, प्लस मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा डाइथर की प्रेजेंस में, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच साइड चेन में एम जी बी आर सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री पर डी ओ एच डी ओ डी यानी कि हैवी वाटर है डी टू ओ का रिएक्शन करेगा, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच साइड चेन में डी सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ये डी कंपाउंड बनेगा प्लस एम जी बी आर ओ डी बनेगा। नंबर थर्ड सी एच थ्री ये कार्बन से अटैच है सिंगल बॉन्ड सी, फिर से भी तीन सी एच थ्री जुड़े हुए हैं, इसमें आर डैश एक्स एक कंपाउंड है, लेफ्ट साइड में एन ए ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, राइट साइड में एम जी से रिएक्शन होता है, डी कंपाउंड बनता है और इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करने पर ई कंपाउंड बनता है। आंसर आर डैश एक्स, जो आर डैश एक्स है आपका मिडिल कंपाउंड ऑन वुड्स रिएक्शन एन ए ईथर गिव सी एच थ्री सी सिंगल बॉन्ड सी सी एच थ्री का होल थ्राइस कंटेनिंग 8 कार्बन एटम्स, इसमें 8 कार्बन एटम्स होंगे, फुल स्टॉप, देयरफॉर आर डैश एक्स इज, आर डैश एक्स जो होना चाहिए इज होना चाहिए सी एच थ्री का होल थ्राइस सी सिंगल बॉन्ड एक्स। ऑन पेज नंबर 8 दिस कंक्लूजन इज रॉन्ग, ये कंक्लूजन रॉन्ग है फुल स्टॉप, बिकॉज टर्शियरी एल्काइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो वुड्स रिएक्शन, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड जो है वुड्स रिएक्शन नहीं देते हैं बट अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन टू गिव एल्कीन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करने पर एल्कीन देते हैं, सो देयरफॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग, सेकंड नंबर द सेकंड रिएक्शन इज करेक्ट, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी ऊपर की साइड में सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड एच यानी कि सी एच थ्री है, नीचे की साइड में सी के साथ में सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड एक्स, एच एक्स निकाल दीजिएगा एन ईथर की प्रेजेंस में सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी, नीचे की साइड में सी के साथ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच एक्स, टर्शियरी हैलाइड गिव एल्कीन, टर्शियरी हैलाइड जो होते हैं गिव एल्कीन देते हैं, फुल स्टॉप, टर्शियरी हैलाइड डज नॉट गिव वुड्स रिएक्शन, टर्शियरी हैलाइड्स जो है वुड्स रिएक्शन नहीं देते हैं, सी एच थ्री का होल थ्राइस सी सिंगल बॉन्ड एक्स प्लस इज इक्वल टू प्लस एम जी का रिएक्शन कराएगा, सी एच थ्री का होल थ्राइस सी एम जी एक्स बन जाएगा, ये डी बनेगा आपका जो कंपाउंड बनेगा डी कंपाउंड बनेगा, इस पर हाइड्रोलाइसिस करा देगा एच यू एच का रिएक्शन करा देगा, सी एच थ्री का होल थ्राइस ही एच बन जाएगा, ये ई कंपाउंड बनेगा प्लस एम जी ब्रैकेट में ओ एच एक्स बन जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं सी एच थ्री का होल था सी एच को लिख सकते हैं सी राइट साइड में लेफ्ट साइड में सी एच थ्री अपर साइड में सी एच थ्री नीचे की साइड में सिंगल बॉन्ड एच टू मिथाइल प्रोपेन। दैट्स ऑल, थैंक यू।